हेलो फ्रेंड, आज आपके साथ में पर्यटन का समाचार सोशलाइजिया टूरिज्म में पर्यटन का इतिहास, पर्यटन की प्रेरणा और स्वरूप पर चर्चा करूँगा। गिलबर्ट कीथ नेस्ट एक हुए विद्वान, वो कहते हैं यात्री वह सब कुछ सोचता है जो अनायास ही उसके समक्ष आ जाता है, जबकि एक पर्यटक वही देखता है जिसे देखने के लिए वो आया है। ये अंतर है यात्री और पर्यटक। इससे उनने यात्रा और पर्यटन का तो भेद बताया ही कि यात्रा अलग चीज़ है, पर्यटन अलग चीज़ है। साथ ही इस बात को भी स्पष्ट किया है कि पर्यटन किन्हीं विशेष उद्देश्य और प्रेरणा के लिए ही किया जाता है, यात्रा अनायास हो जाती है, यात्रा में कोई उद्देश्य या लक्ष्य नहीं होता। अगर इतिहास की बात करें हम पर्यटन के, तो भारत में पर्यटन के परम्परा का अतीत अगर हम देखें तो हम कह नहीं सकते, हम स्पष्ट है यहाँ पे कि अलग अलग लोगों के लिए पर्यटन अलग अलग आकर्षण का केंद्र है। जैसे आक्रमणकारी आए, उनके लिए देश सोने की चिड़िया थी। मुगल हैं, अंग्रेज, इन्होंने अपार धन दौलत को आसानी से लूटने के लिए यहाँ पे पर्यटन किया, वो भी एक पर्यटन था। दूसरी चीज, विद्वानों को अगर देखें तो वो भारत के गूढ़ अध्यात्म और दर्शन से इतना ज़्यादा प्रभावित थे कि हमेशा आते थे। कुछ लोगों ने तो देश को फकीरों, सपेरों, बाजीगरों की निगाह से देखा और इसके नैसर्गिक सौंदर्य, प्राकृतिक विविधता, जीव जंतु, अद्भुत स्थापत्य इसके आकर्षण में खींच रहा है। इसमें खासतौर से हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने इसको देश को फकीर और सपेरों, बाजीगरों की नज़र से देखने के साथ में यहाँ के जनजाति समाज को अपने हिसाब से देखा और अपने हिसाब से उसके बारे में लिखा। जनजाति संस्कृति का बहुत ज़्यादा इन्होंने विरोध भी किया, जनजाति संस्कृति को अपने हिसाब से देखा है। सभी जानते हैं हट्टन है, वैरियर एल्विन है, इनका इतिहास क्या है हम सभी को अच्छे से मालूम। इन्होंने किस तरीके से, वैरियर एल्विन के बारे में तो स्पष्ट है कि इन्होंने किस तरीके से डिंडोरी में जनजातियों के साथ में रह के उनका अध्ययन किया, उनका विवेचन किया, अपने नजरिए से जनजाति समाज को देखा, एक पर्यटन वो है। दरअसल यात्रा या इतिहास, यात्रा के इतिहास में अगर हम देखें तो इसमें साहस, जिज्ञासा, आनंद की खोज, अध्यात्म, व्यवसाय आदि रोचक वृतांत समाये रहते हैं। और जाने अनजाने में देखिए, कोलंबस से भी नई दुनिया को देखने निकला था, दुनिया की खोज में साहसी क्या था, उसने अमेरिका खोज डाला। वास्को डिगामा जा कहीं रहे थे, घूमते घूमते वो भारत आ गए, व्यापार करने लगे। फेन शांग फायान हुआ, इसिंग हुआ, ये दुर्गम राहों को तय करते हुए चीन से भारत आके उन्होंने बौद्ध दर्शन प्राप्त किया और भारत का विवेचन किया। सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री संगमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रसार प्रचार के लिए श्रीलंका और कई जगह भेजा, इंडोनेशिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, कई जगह गई उनकी पुत्री संगमित्रा। तो ग्रैंड टूर या बृहद यात्रा के बहाने किसी ना किसी रूप में यूरोपीय समाज के लोग पश्चिम यूरोप का पूरा चक्कर लगा लेते थे और इसी दौरान उन्होंने भारत में भी प्रवेश किया। हमारे यहाँ की कई लोक कथाएँ, लोकगीत, साहस गाथाएँ जो हैं दुनिया भर के यात्राओं के जरिए भ्रमण का उल्लेख उसमें कई बार होता है, यात्राओं का उल्लेख होता है। प्राचीन जो अभिलेख हैं, भित्ति चित्र हैं, उस समय वहाँ की कठिन यात्रा के प्रमाण भी मिलते हैं। अरेबियन नाइट्स हुआ, सिंधवाद की कहानियाँ, पंचतंत्र, इसमें मिस्र, फारसी, रोमन, यूनान आदि की इतिहास यात्राओं का वर्णन भरा पड़ा है। भारत में भी मौर्य शासन से संबंधित अगर हम विवरणों को देखें तो स्पष्ट होता है कि पर्यटन की सोच का विकास मौर्य काल में काफ़ी कुछ हो चुका था। पश्चिम में मिस्र और रोमन साम्राज्य के इतिहास में पर्यटन की सोच संभवतः यात्रा संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के प्रसंग बार बार याद मिलते हैं, लेकिन वो भी एक पर्यटन ही थे। एशिया के लगभग सभी देशों में यात्रियों की आवभगत उनके आगमन को शुभ माना जाता है, ऐसे कई उदाहरण हैं। भारत में तो आदिकाल से ही हमारे यहाँ परंपरा ही अतिथि देवो भव, हम तो अतिथि देवो भव में आज भी जी रहे हैं। इस संकल्पना के पीछे भावना यही थी, अतिथि आगमन से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। और इसी में भारत वाले बेवकूफ़ भी बने, मुगलों को भी हमने अतिथि मान के शरण दी और मुगलों ने हम पर शासन किया, अंग्रेजों को हमने अतिथि माना, उन्होंने हम पे शासन करके हमारा शोषण किया। लेकिन अतिथि देवो आगमन जो है हमारे यहाँ की परंपरा है, रीति रिवाज है, भारतीय समाज की पहचान। इस संकल्पना जो है, ये जो कंसेप्ट है, इसके पीछे मूल कारण ये है कि हम मानते हैं अतिथि भगवान के समान है, उसके आने से हमारे यहाँ श्रीवृद्धि होती है। हिंदू धर्म के चार धाम देखिए, चार अलग अलग दिशाओं में, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। बुद्ध का संदेश तो गांव-गांव में प्रचार किया जाता है। आदि शंकराचार्य ने देश के विभिन्न भागों की यात्राएं करके पर्यटन को करा, उसके बाद और भी लोग आते रहे, बराबर निरंतर पर्यटन ही होता रहा। मोहनजोड़ो, हड़प्पा की खुदाई में भी बहुत सी ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिससे अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ की सभ्यता में व्यापार और वाणिज्य के लोग
दूसरे देशों में जाते थे, दूसरे देशों के लोग यहाँ पे आके करते थे। बहुत से मतलब पार्श में कहीं भी हम देखें, अगर कहीं भी अगर हम देखते हैं तो मनोजिज्ञासु प्रवृत्ति शोध अनुसंधान इन चार चीज़ों के कारण पर्यटन करता है एक स्थान से दूसरे। पर्यटन सिर्फ धन लाभ और अर्थ तक ही केंद्रित नहीं, इसमें धीरे धीरे बहुत सी पहलू जुड़ते चले गए। अब इंटरनेट जो है देखिए टूर नेट के रूप में परिवर्तित हो गया, इंटरनेट टूर नेट बन गया। इंटरनेट से आप टूर को टूर नेट बनाते हैं, कहाँ जाना है टूर, कहाँ के कैसा है पूरी जानकारी लेते हैं, टूर नेट हो गया। पर्यटन सिर्फ घूमने फिरने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पर्यटन हमारी मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति का भी एक माध्यम है। पहले पर्यटन घरेलू पर्यटन की सोच था, लेकिन अब बड़ी बड़ी पर्यटन एजेंसियां, कंपनियां पैकेज टूर निकालने, मेक माई इंडिया, इंडिया ट्रिप, ऐसी कई एजेंसियां हैं जो आपके लिए पैकेज टूर निकालती हैं, जिसमें व्यक्ति घूमने फिरने की रुचि के अलावा खेल कूद, साहस, तंबुओं में विश्राम करने, पर्वतों पर ट्रैकिंग, चिकित्सा, स्वास्थ्य लाभ, ग्रामीण प्रवेश से संबंध कई रुचियों को पूरा किया जाता है। आजकल तो पर्यटन का एक हो गया है कि पैकेजिंग टूर के साथ साथ डाइवोर्स भी करते हैं, जिनका डाइवोर्स हो जाता है उनके लिए भी पर्यटन होता है कि आप अपना बाकी समय कैसे बिताएं, तो उनके लिए भी एक डाइवोर्सी पर्यटन भी निकला है। तो पर्यटन का जो है अब एक स्वतंत्र है आदमी, जिस चाहे जहाँ फील्ड में जा सकता है, और इसकी नई नई प्रवृत्तियाँ हुई हैं। अब पर्यटक अपनी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार मौसम और इलाकों का चयन कर सकता है। जैसे पहाड़ी इलाकों में स्कीइंग करने का अवसर है तो ऊंची ऊंची पर्वतीय चोटियों में हेलीकॉप्टर से हम हेली स्कीइंग कर सकते हैं। आयुर्वेद और योग का लाभ लेना है तो आप उनके जरिए कई स्थानों पर जा सकते हैं। नेचुरोपैथी के लिए हम जाते हैं, केरल में बहुत नेचुरोपैथी के लिए जाते हैं। संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति सभी पर्यटन के आज केंद्र में हैं। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जो कि पर्यटन से सरोकार न रखता। पर्यटन के अब आपको प्रेरक तत्व बताते हैं, इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो उसको बूस्ट करते हैं। कोई ना कोई प्रेरणा है, मोटिवेशन अवश्य छुपा रहता है पर्यटन के लिए। अपने रिश्तेदारों से मिलना, दोस्तों से मिलना, बाजार, मेला, ये सब पर्यटन के आकर्षण हैं। कुंभ का मेला तो देखिए नॉलेज सेंटर है, नॉलेज इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ से आपको नॉलेज मिलता है, तो आदमी हजारों सालों से चला आ रहा है। इसके प्रेरक तत्व क्या है पर्यटन के? पहला, घर से बाहर की दुनिया देखने का। हर व्यक्ति अपने घर के बाहर की दुनिया देखना चाहता है। गर्म देशों के लोग ठंडे प्रदेशों में, रेगिस्तान के लोग समुद्री तटों और पहाड़ पर जाने का आकर्षण है। हमारे पास कहीं ना कहीं रहता है कि हम अपने घर से बाहर निकले और देखें कैसी है दुनिया। उच्च शिक्षा, पर्यटन के पीछे कारण उच्च शिक्षा भी है। नालंदा, तक्षशिला विश्वविद्यालय तो वर्ल्ड सेंटर थे, सभी लोग आते थे यहाँ पे अध्ययन करने के लिए। आज भी देखिए यहाँ आते हैं, BHU में बहुत से लोग जाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हैं, JNU में जाते हैं, BHU में जाते हैं, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में आते हैं, APS यूनिवर्सिटी रीवा आते हैं, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में आते हैं। कई जगह इन विश्वविद्यालयों में पर्यटन जो है उच्च शिक्षा के कारण होता है। आज की डेट में पुणे में हर साल 5 लाख विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी हो, DY पाटिल यूनिवर्सिटी हो, या सिम्बायोसिस हो, सभी में भीड़ लगती है। पूरे भारतवर्ष और भारत के बाहर के लड़के आते हैं। तो पर्यटन में उच्च शिक्षा भी एक मोटिवेशन है, उसका एक प्रेरक तत्व है। व्यवसाय का, पर्यटन का एक प्रेरक तत्व व्यवसाय या कारोबार है। अब देखें पर्यटन में प्रेरणा का एक कारण व्यवसाय या कारोबार भी है। आदि काल से कारोबार के सिलसिले में कारोबार करने के लिए लोग अपने निवास से दूसरे निवास में जाते हैं, देश विदेश जाते हैं। वास्को डी गामा भी भारत में कारोबार के लिए ही आए थे। पुराने जमाने में समुद्री यात्रा से होती, आजकल कई चीज़ें हैं तो समुद्री यात्रा से एक जगह से एक स्थान से वस्तुएं लेके जाते हैं, दूसरी जगह देते हैं, वस्तुएं प्राप्त करना, एक्सचेंज करना, मुद्रा का विनिमय, ये सारी चीज़ें चली आ रही। अब आप देखेंगे भूमंडलीकरण के कारण, जब से 1993 में भूमंडलीकरण हुआ, विदेशी कारोबार में हमारे अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। आज हमारा कारोबार जो है $2,000 अरब का हो गया है विदेशी। देश विदेश में बहुत सी कंपनियां, व्यापारियों की विदेश यात्राएं बढ़ गई। सामाजिक प्रतिष्ठा, पर्यटन आकर्षण सामाजिक प्रतिष्ठा भी है। निवास स्थान से किसी सुप्रसिद्ध स्थान पर जाकर अवकाश बिताना, समय बिताना, विदेश की या सैर करना आज एक सोशल स्टेटस है, एक सोशल स्टेटस बन गया है। आप जो बाहर जाता है विदेश यात्रा करके आता है उसकी मोहल्ले में, अरे विदेशी है, फॉरनर है, विदेश रिटर्न है, फॉरन रिटर्न है, इस तरह से स्लोगन किए जाते हैं। तो ये स्टेटस सिंबल बन गया है, सोशल स्टेटस बन गया है। सोशल स्टेटस के लिए कई लोग करते हैं। और गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली, सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, ये सारे
स्टेटस सिंबल है। बाजार मेला सम्मेलन, आज पर्यटन जो है बाजार के रूप में, मेले के रूप में, सम्मेलन और प्रदर्शनी भी हर जगह देखेंगे, कहीं ना कहीं मेले उत्सव लगते हैं, समय समय पर प्रदर्शनियाँ लगती हैं, बाजार लगते हैं। ग्वालियर का बाजार लगता है, ग्वालियर में हर साल बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं अपने सामान सस्ते में, ग्वालियर व्यापार मेला है। दिल्ली प्रगति मैदान में तो आए दिन पुस्तक मेला और अन्य मेले लगते हैं जहाँ लोग खरीदारी करने आते हैं। जैसलमेर का मरु मेला है, बीकानेर का कैमल फेस्टिवल है, जगन्नाथ रथ यात्रा है, ये सारे आकर्षण का केंद्र है। कुंभ का मेला तो है ही है, समय समय पर लगने वाले मार्ग भी पर्यटन की प्रेरणा की वजह बनते हैं। स्वास्थ्य लाभ और विश्राम, जी हाँ, दैनिक जीवन में व्यक्ति स्वास्थ्य के लाभ के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। अधिकतर लोग पहाड़ी प्राकृतिक स्थानों पर जाकर विश्राम करते हैं, केरल तो नेचुरोपैथी का सेंटर है। एक और है तत्व, विशेष रुचियाँ। कुछ लोगों की विशेष रुचियाँ होती हैं, खेल आदि के शौक की पूर्ति के लिए वो बाहर जाते हैं। इतिहास में जिनकी रुचि होती है, ऐतिहासिक स्थलों का, पर्यटन स्थलों का, किलों का भ्रमण करते हैं, ऊँट हाथी खच्चरों जीवों की सहायता से पहाड़ दुर्गम स्थानों पर जीवन का आनंद लेते हैं। मानव शास्त्री और समाज शास्त्री तो जनजातीय समाज के लिए देखने जाते हैं। मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र राय जी, वो सतना पीजी कॉलेज, शासकीय सतना पीजी कॉलेज में समाजशास्त्र के प्राध्यापक हैं। वो पर्यटन सिर्फ उनका एक ही उनकी रुचि है, वो मुझे वो कहते हैं जनजातीय समाज को देखना है। अभी हम लोग गए थे छिंदवाड़ा एक सेमिनार में, छिंदवाड़ा रुक गए और वो 5 दिन उन्होंने रुक के छिंदवाड़ा में पातालकोट वैली में भारिया जनजाति का अध्ययन किया। वो सिर्फ यही करते हैं, कहीं भी जाते हैं और उसको जीवंतता के साथ जुड़ते हैं। तो एक विशेष रुचि भी है पर्यटन के लिए, प्रोत्साहन भ्रमण। अब आपने देखा होगा टेलीविजन रेडियो के साथ साथ प्रिंट मीडिया में बहुत सी प्रतियोगिताएँ होती हैं जिसमें कहा जाता है विजेता को किसी आकर्षक पर्यटन स्थल पर 2 दिन 3 रात्रि 7 दिन 8 दिन का पैकेज, ये एक प्रोत्साहन किया जाता है, इसको प्रोफेशनली किया जाता है। तो पर्यटन प्रोत्साहन के लिए ऐसे आकर्षक ऑफर आजकल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आम बात हो गई है। सार्वजनिक निजी कंपनियां अपने यहाँ के एम्प्लाईज को मोटिवेट करने के लिए कि वो हमारे साथ जुड़े रहें, खाने पीने का अवसर प्रदान करती हैं जिससे अधिक लक्ष्य अर्जन हो, उत्पादन और प्रायोजिक यात्राओं के माध्यम से वो अपनी कंपनी का प्रचार प्रसार। तो वास्तव में पर्यटन के आज सैर सपाटा मनोरंजन घूमने फिरने की गतिविधि तक ही नहीं सीमित रहा, यह अब एक वैश्विक अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण क्रिया ग्लोबल इकोनॉमी बन गया है। अब केवल शौक मनोरंजन अवकाश के लिए पर्यटन नहीं करते बल्कि व्यवसाय कारोबार शिक्षा प्राप्ति प्रोत्साहन स्वास्थ्य लाभ मेला प्रदर्शनी सोशल स्टेटस विशेष रुचियों आदि की पूर्ति के लिए पर्यटन प्रेरणा की वजह है। इसलिए आप देखिए कि हर देश के बजट में पर्यटन के लिए विशेष लाभ रखा जाता है, विशेष प्रावधान किया जाता है। पर्यटन एक अस्थायी और लघु अवधि की गतिविधि जरूर है लेकिन ये एक आवश्यक गतिविधि भी है। पर्यटन का आधार क्या है, इसमें यात्रा की स्वतंत्रता रहती है, प्रति व्यक्ति आय और अर्थव्यवस्था बढ़ती है, शिक्षा प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्ति की भूख और जिज्ञासा बढ़ती है, जलवायु परिवर्तन है और विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ। ये पर्यटन का इतिहास, पर्यटन के प्रेरणक के तत्व, पर्यटन का आधार, पर्यटन का स्वरूप, इस पे आज हमने चर्चा की। कल एक नए विषय पे पर्यटन पे हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।